News 18, India. इधर अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुके हैं। आज पीएम मोदी पहली उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह बड़ी रैली यूपी के बुलंदशहर में दोपहर 12:30 बजे होगी। इस मौके पर पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बुलंदशहर में होने वाली पीएम मोदी की इस रैली को लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली में लाखों की भीड़ के जुटने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि राम मंदिर के बाद ये चुनावी जनसभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें लाखों की भीड़ जुटेगी और बुलंदशहर अलीगढ़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में हम ये मानकर चल रहा है कि किस तरीके से अलीगढ़ को लेकर भी कई चीजें सामने आ सकती है। कल्याण सिंह इसी पूरे इलाके से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और कल्याण सिंह का राम मंदिर के आंदोलन में भी बड़ा अहम योगदान रहा था। और राम मंदिर के ठीक बाद पहली ही रैली प्रधानमंत्री की हो रही है बुलंदशहर में। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण पीएम की ओर से किया जाएगा। देखना यह है कि किन किन विषयों को पीएम अपने भाषण में रखते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की इस रैली में लाखों की भीड़ जुटेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी कल दूसरी बार बुलंदशहर पहुंच करके प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। अब आपको बुलंदशहर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बताते हैं कि आखिर कैसे कैसे कार्यक्रम रहने वाला है। तो दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी की रैली होनी है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात इस रैली के जरिए पीएम द्वारा दी जाएगी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, शिलान्यास किया जा रहा है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होना है। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास किया जाएगा पीएम की ओर से। अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण भी पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जब मोदी ने चुनावी सभा की है, चुनावी अभियान की शुरुआत की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत की थी, फिर 2019 के चुनाव में मेरठ में रैली करके प्रचार की शुरुआत की थी, और अब प्रधानमंत्री फिर से बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि हर एक अपने लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी है। पहले साल 2014 में लोकसभा चुनाव जब हुआ तो बुलंदशहर से हुंकार भरी, फिर मेरठ में 2019 में, और उसके बाद 2024 में फिर से वो बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर का नाता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से जुड़ता है, और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो बीजेपी को काफी आगे लेकर गए। राम मंदिर के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही उनके रहते हुए। जैसा आप आज देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, कुछ वैसी ही सख्ती कल्याण सिंह के राज में भी दिखाई देती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा रिश्ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक हर बार अपनी चुनावी हुंकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत की। उस प्रचार का इतना असर हुआ कि पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की ही जीत हुई, और बाद में साल 2019 में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। और अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बुलंदशहर से चुनावी रैली का आगाज करने जा रहे हैं। बीजेपी को इसलिए उम्मीद भी है कि 14 सीटों पर फिर से एक बार जीत हासिल होगी, और इसीलिए बीजेपी ने बनाई एक बड़ी रणनीति।